दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर 12,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इस बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है। और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 100 किलोमीटर दूर से भी इस बिल्डिंग की चोटी को देखा जा सकता है। और क्या आपको पता है कि जो इस बिल्डिंग पर एड्स लगाई जाती हैं, वो काफी महंगी होती हैं। उस पर सिर्फ 3 मिनट की एड लगाने के लिए 50 लाख रुपए का खर्च आता है। ये तो थी बुर्ज खलीफा की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन अभी आप और भी चौंक जाएंगे जब आप जानेंगे कि आखिर बुर्ज खलीफा को इंजीनियर्स ने बनाया कैसे, कैसे इस मोटे 350 टन पाइप को ऊपर तक पहुंचाया गया, कैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर के 100 डिग्री के टेम्परेचर को कम किया गया। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 2,716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस इमारत पर $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था। और इतने कम समय में डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का काम मुमकिन नहीं था, और इसीलिए बिल्डिंग को बिना डिजाइन के ही शुरू कर दिया गया। और जैसे जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती गई, वैसे ही इसका डिजाइन भी साथ साथ तैयार होता गया। ये बात शायद आपको ना पता हो कि बुर्ज खलीफा दुबई की रेत में खड़ा करना बहुत मुश्किल था, और इसीलिए इसको बनाने के लिए पहले 192 मोटे स्टील के पाइप्स को जमीन में धसाया गया, और फिर जाकर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। और शायद आपको ना पता हो कि पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं स्टील पाइप्स पर टिका हुआ है। क्या आपको पता है कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि जब सीमेंट को नीचे से बनाकर ऊपर भेजते थे, तब सीमेंट ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था, और इसीलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा में मोटे मोटे पाइप्स इंस्टॉल कर दिए। इन पाइप्स का काम सीमेंट को ऊपर तक पहुंचाना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले सीमेंट का वजन अगर देखें तो वो करीब 1 लाख हाथियों के वजन जितना था। और इतना भारी सीमेंट ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप इंस्टॉल करवाए, और इन मशीनों की कीमत भी करोड़ों में थी। इसके अलावा जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तब इस पर बारी आई ग्लास पैनल लगाने की, और बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगाए गए, तब बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री के करीब पहुंच गया, जहां पर कोई भी इंसान 10 सेकंड से ऊपर नहीं खड़ा रह सकता था, और इसको ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली की खपत आती। और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है, और उन्होंने एक खास तरह का ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन ये ग्लास पैनल्स बहुत महंगे थे, और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स को खरीदने में 3 अरब और 60 करोड़ की रकम खर्च होनी थी, जो कि बहुत ही महंगा काम था। इसीलिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स बनाए गए, और सिर्फ 4 महीनों में ही ये सारे ग्लास पैनल्स बनके तैयार हो गए। अब सारी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर जो ऊपर का स्टील पाइप को लगाया गया है, उसे ऊपर कैसे रखा गया। वैसे आपको बता दूं कि वो पाइप नीचे से दिखने में छोटा है, लेकिन उसकी लंबाई 136 मीटर है, और वो 350 टन का है। दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं थी कि वो इतने भारी पाइप को बादलों से भी ऊपर जाकर बुर्ज खलीफा के शिखर पर रख सके, और इसीलिए इंजीनियर्स ने ये सलाह दी कि वो इस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर लेकर जाएं, और इस तरह उन पाइप्स के टुकड़ों को अंदर ले जाकर असेंबल किया गया। अब पूरा बुर्ज खलीफा कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो पूरा मिट्टी से भरा पड़ा था, और अभी सबसे बड़ा काम था इसको बाहर से पॉलिश करने का। इंजीनियर्स को इसका कोई भी सलूशन नहीं समझ आया, और इसीलिए उन्होंने वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को साफ कराया गया। दरअसल ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। क्या आप भी बुर्ज खलीफा में जाना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।